हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल केमिस्ट्री। गूगल केमिस्ट्री पे आप सभी का स्वागत है। मैं कार्तिक पांडे आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ में आपको जो है 100 मार्क्स की आने वाली है। 100 नंबर जो है 100 मार्क्स आपको परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे क्लास को पढ़ना है। हाउ टू यू गेट अ मैक्सिमम मार्क्स इन योर सिलेबस इन इंग्लिश। तो हाउ यू गेट अ मैक्सिमम मार्क्स इन योर इंग्लिश सिलेबस वी टॉक हियर। टुडे वी डिस्कस अबाउट हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू प्रिपेयर योर सिलेबस। ओके गाइज, तो वी स्टार्ट। एज यू नो दैट कि आज हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में आपको पता है कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और उसमें भी हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ग्रामर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो ग्रामर है वह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एज यू नो दैट ग्रामर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टुडे वी टॉक अबाउट अ ग्रामर। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर में। ग्रामर में जैसा कि आपका सिलेबस है जिसमें फर्स्ट टॉपिक है नरेशन। नरेशन एज यू नो दैट इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। तो आपके सिलेबस का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका पहला जो ग्रामर का लेसन है वो है आपका नरेशन। पहला जो आपका टॉपिक है उसका क्या नाम है? नरेशन। नरेशन। बट बिफोर नरेशन वी कंप्लीटेड मेनी थिंग्स, या वी शुड कंप्लीट मैनी थिंग्स। आपका जो पहला टॉपिक है वो नरेशन है। नरेशन से पहले आपको बहुत सी चीज़ें जाननी चाहिए, जैसे आपको टेंस आना चाहिए, नरेशन से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। ओके, तो बिफोर यू नो नरेशन यू हैव टू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू हैव टू नो टेंस, यू हैव टू नो मैनी थिंग्स। तो यदि आप डायरेक्ट नरेशन पढ़ना चाहते हैं इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आप यदि सीधा नरेशन पढ़ना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। यू हैव टू रीड फर्स्टली टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैनी थिंग्स। तो गाइज, हम लोग नरेशन स्टार्ट करने से पहले ग्रामर में बहुत सी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे बाय छोटी से छोटी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। नरेशन में, नरेशन जानने से पहले हम लोग ग्रामर के बेसिक को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट अ बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वी टॉक अबाउट मैनी थिंग्स। तो पहले हम लोग बेसिक, अगर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बेसिक में आपको क्या क्या आना चाहिए, देन यू हैव कंप्लीट वेरी गुड वे ऑफ इंग्लिश। तो जब यदि आपको पता होगा बेसिक बेसिक चीज़ें तो आपको अंग्रेजी जानने में बहुत ही सुविधा होगा ना। तो बेसिक में जैसे कि आपको पता है वी टॉक ईच एंड एवरी टॉपिक ना, तो हम लोग जीरो टू सेंटर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस बच्चे को आता है, जिसको नहीं आता है, सबके लिए हम लोग बेसिक से एडवांस जाने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम ग्रामर में बात करें सबसे पहले टॉपिक में, तो मैं टेंस ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, बट यू हैव टू स्टार्ट बाय आर्टिकल। आर्टिकल, यू हैव टू स्टार्ट विथ नाउन, यू हैव टू स्टार्ट विथ टेंस, एंड यू हैव टू स्टार्ट विथ वर्ब। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 4 स्टार्टिंग टॉपिक इन इंग्लिश। यदि आप अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, यदि आपको डाउट है कि सर इंग्लिश कहाँ से पढ़ें हम, तो यू हैव 4 टॉपिक। आपके पास 4 टॉपिक है, जो फर्स्ट आर्टिकल है। तो इफ़ यू आर अ वेरी वीक स्टूडेंट इन इंग्लिश, या यू वांट टू स्टार्ट इंग्लिश, तो यू हैव टू रीड आर्टिकल।
यदि आप बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं, आपको थोड़ा इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, इंग्लिश से आपको डर लगता है, यू हैव फियर ऑफ इंग्लिश, तो यू हैव टू स्टार्ट विद अ आर्टिकल। तब आपको आर्टिकल से स्टार्ट करना चाहिए, और या यू कैन स्टार्ट विथ नाउन, या इफ यू डोंट वांट टू स्टार्ट विथ अ नाउन यू कैन स्टार्ट विथ टेंस, एंड यू ऑल्सो डोंट वांट टू स्टार्ट विथ अ टेंस यू कैन स्टार्ट विथ वर्ब। इट्स माय थिंकिंग, इट्स माय ओपिनियन, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश जब नहीं जानता है तो उसके पास दे हैव फोर चॉइस। फर्स्टली यू चूज आर्टिकल और नाउन और टेंस और वर्ब। यदि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, यू वांट टू स्टार्ट विथ जीरो, देन यू हैव सम टॉपिक विच यू स्टार्ट। तो हम लोग, मैं अगर मुझसे आप पूछे कि सर इन चारों में से विच इज द बेस्ट फॉर अस, तो यदि मेरी आप सलाह मानो तो आप टेंस से स्टार्ट करो। अदरवाइज हमें तो वर्ब भी पढ़ना है, हमें नाउन भी पढ़ना है, हमें आर्टिकल भी पढ़ना है, बट आई सजेस्ट यू यू हैव या यू शुड स्टार्ट विथ टेंस। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस से। डोंट वरी, हम लोग बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से आपके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वी हैव स्टार्ट विथ टेंस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ टेंस, यू थिंक व्हाई सर वांट टू स्टार्ट विथ टेंस। जब मैं टॉपिक आपका टेंस स्टार्ट करने वाला हूं तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने टेंस से स्टार्ट क्यों किया। तो देखिए, टेंस में जो है आपको एक वाक्य बनाने का तरीका पता चलता है, यू नो हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। आप हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने लगते हैं, आपको थोड़ा समझ में आने लगता है। और इसमें हम लोग वन बाय वन बहुत ही ब्रॉड में चीज़ों को समझेंगे। जैसे टेंस की बात करूं मैं, तो व्हाट इज अ टेंस, एक बेसिक एकदम बताऊंगा, आप घबराइए मत, और आप रिप्लाई करिए, कमेंट करिए कि व्हाट इज अ टेंस। आपसे मैं यदि पूछूं कि व्हाट इज अ टेंस, तो आप कहेंगे सर, बहुत से बच्चे टेंस पूछने पे क्या कहते हैं कि सर इट इज अ काल। तो आई डोंट आस्क यू व्हाट इज अ हिंदी ऑफ टेंस, आई आस्क यू कि व्हाट इज टेंस। भाई मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, आपने कहा सर काल, काल तो हिंदी हो गया, टेंस का परिभाषा थोड़ी हुआ। तो डोंट वरी, मैं आपको डिफिनेशन भी बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको पढ़ते हैं। देखिए, टेंस जानने से पहले वी हैव टू फोकस ऑन वर्ब, वी हैव फोकस ऑन वर्ब, और वर्ब जानने से पहले हमें सब्जेक्ट जानना चाहिए, देन वी हैव नो ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए, इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट टेंस, इफ यू वॉन्ट ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, तो फर्स्टली यू हैव नो अबाउट वर्ब, व्हाट इज द वर्ब, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। We discuss one by one, don't worry, don't be hesitated, believe on me. देखिए, तो verb, what is a verb, what is a subject, what is object? तो firstly we talk about a verb, sorry subject. What is subject? Subject क्या होता है? जब आप English पढ़ना start करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि subject क्या होता है, ठीक है। तो आइए, subject क्या होता है आपको यदि मैं हिंदी में बताऊं कि जो किसी कार्य को करता है, हु डू वर्क, आप कह सकते हैं कि हु डू वर्क, जो कार्य करता है, वर्क मतलब क्या, कार्य, काम। हु डू वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। काम कौन कौन करता है, तो आप कहेंगे सब आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट एंड नेम।
तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आपने कहा सर हु डू वर्क। हु माने जो, डू माने करता है, वर्क मतलब काम, जो काम को करता है सर ना उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। मैंने कहा मैं समझा नहीं, मुझे समझाओ थोड़ा, कौन काम करता है? तो आपने कहा सर मैं काम करता हूं। आपने कहा सर वी, हम काम करते हैं। आपने कहा सर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो दे, वे काम करते हैं। यू सर आप काम करते हैं, तुम काम करते हैं। ही मतलब वह, सी मतलब वह स्त्री, इट और नेम, ये लोग काम को क्या करते हैं, करते हैं। इसका मतलब कि आई वी दे यू और ये सब क्या हुए आपका सब्जेक्ट, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके सब्जेक्ट हैं। आई वी दे यू ही सी इट नेम क्या है सब्जेक्ट, इतना आपको ध्यान रखना है। आप अपना रफ कॉपी निकालिए और उसको नोट डाउन करिए कि सर ने बताया पहले हम लोग टेंस स्टार्ट करना है, टेंस में सर ने बताया कि सब्जेक्ट कोई चीज होती है, आपको नहीं पता था कोई बात नहीं, आप ऐसे कॉपी में लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखो हु डू वर्क, हिंदी में जो लिखना चाहता है लिख ले, जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और फिर लिखो कि आई वी दे यू ही सी इट नेम, समझ रहा ओके आगे बढ़ूं मैं, आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, आप बताइए। चलिए तो सब्जेक्ट को भी हम लोग साइड कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि जो काम को करेगा भाई वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसको भी साइड कर देते हैं ठीक है, इसका काम अभी बाद में लगेगा। अब काम लगेगा हमारा वर्ब का, तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया मतलब काम। अभी आपने यहां पे लिखा था ना सब्जेक्ट का परिभाषा कि हु डू वर्क, तो जो इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, जो कार्य को करता है, ये जो कार्य है वर्क है इसी को कहते हैं वर्ब, इस कार्य को ही क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं, इस कार्य को ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं वर्ब। तो आपको क्लास ट्वेल्थ में है तो आपको वर्ब के बारे में पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है, वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, वर्ब का डिफिनेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। बट टेंस में आपके आसानी के लिए, आपके फायदे के लिए, और मैं एक शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, उतना मुझे नहीं जानना है अभी, अभी मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो टेंस में आपको केवल इतना ही जानना है कि वर्ब जो होता है, वर्ब जो होता है, वर्ब इज वर्क डन बाय सब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ आसान तरीके में, जो सब्जेक्ट होता है, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट कौन कौन होता है, आई होता है, वी होता है, दे होता है, यू होता है, और ही सी इट और किसी का नाम होता है, तो इनके द्वारा जो भी किया जाता है ना, इनके द्वारा जो भी किया जाता है वो वही क्या होता है, वर्ब होता है, वही क्या होता है, वर्ब होता है। ये क्या क्या करते हैं, तो ये डांस करते हैं, ये कुक करते हैं, ये ईट करते हैं, ये स्लीप करते हैं, ये जो है वॉक करते हैं, गो करते हैं, कम करते हैं, हिंदी में बताता हूँ, या चलते हैं, फिरते हैं, डांस करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बाजार जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये सब जितना मैंने शब्दों को बोला, इनके द्वारा जो भी काम हुआ वह क्या है, वर्ब है, ये सब क्या है, वर्ब है। समझ में आ रहा आपको कि जितना हम लोग कुछ भी करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्ब, वर्ब मतलब मोशन, वर्ब इक्वल क्या, मोशन, जहां पे गति होगा, मोशन होगा, जिस शब्द में गति होगा उसको हम कार्य कहते हैं, वर्ब कहते हैं या वर्ब कहते हैं। मोशन आप समझते हैं ना, गति फिजिक्स का है, आप समझते होंगे गति, जिस शब्द में, जिस वर्ड में गति आ जाए, मोशन आ जाए, उसको हम वर्ब कहते हैं। जिस वर्ड में मोशन हो, जिस वर्ड में, जिस शब्द में मोशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सर वर्ब। जैसे जैसे मैंने लिखा, अच्छा मान लीजिए फूड, फूड का हिंदी क्या होता है, भोजन,
तो क्या भोजन में कोई गति है? नहीं, इसका मतलब ये वर्ब नहीं हो सकता। भोजन में कोई गति है, आपने कहा नहीं सर, इसका मतलब भोजन जो आपका है, फूड जो आपका है, यह वर्ब नहीं हो सकता। मैंने इधर लिखा ईट, ईट का मतलब क्या होता है? खाना, खाना। ईट मतलब खाना, खाने में गति है कि नहीं? रन, रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना, दौड़ने में गति है कि नहीं? टेल मी यस या नो, इन अ वर्ड रन इज इट मोशन और नॉट? ये शब्द आपका रन है, रन मतलब दौड़ना होता है। जब हम रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या बिना मोशन के हम दौड़ते हैं? यू से नो सर, विदाउट मोशन वी कांट रन, बिना मोशन के हम दौड़ ही नहीं सकते सर। अब भोजन में, भोजन में कोई गति होता है क्या? रोटी, ब्रेड, मक्खन, ये सब रखा हुआ, इसमें कहीं गति है? यू से नो सर। आई टॉक, टॉक मतलब होता है कहना या बोलना। मैं बोल रहा हूं तो इस बोलने में कुछ गति हो रहा है कि नहीं? गति हो रहा है ना। तो जहां पे गति होगा, जिस शब्द में गति होगा, उसको हम वर्ब कहेंगे। समझ में आ रहा है? मैंने आपको सब्जेक्ट बताया कि सब्जेक्ट आई वी दे यू होता है, ये काम को करते हैं, जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब में आपका होता है गति, जिस शब्द में आपको गति दिखाई देगा उसको हम वर्ब कहेंगे। आप कोई भी शब्द को बोलिए और बोल के चेक करिए कि क्या इसमें गति है कि नहीं। जैसे मैंने कहा डांस, तो डांस का मतलब क्या होता है? नृत्य। नृत्य मतलब क्या आपके भाषा में? नाचना। तो नाचना क्या बिना गति के हो पाता है? तो यू से नो सर, विदाउट मोशन वी कांट डांस, बिना मोशन के तो हम डांस कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स कि जिस शब्द में मोशन हो, जिस शब्द में मोशन हो, इट्स कॉल्ड वर्ब। सीधी बात आपको समझने के लिए मैंने बताया कि जिस शब्द में मोशन होगा, गति होगा, उसको हम वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे सर? उसको वर्ब कहेंगे। ठीक है, अब अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो भूल जाइए। नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, नई चीज़ों को समझिए। नया कंसेप्ट, नई चीज़ों को, जिनमें जो बताया याद है ठीक है, नहीं तो उसको फिर से समझिए। वर्ब, इंग्लिश में, इंग्लिश के वाक्यों में वर्ब दो प्रकार का होता है। जो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा कि ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, मैंने एक वाक्य लिखा। इस वाक्य में दो वर्ब है, कितने वर्ब है? दो। एक वर्ब जो होता है फर्स्ट वर्ब, इट्स कॉल्ड मेन वर्ब। जो इसमें पहला वर्ब है उसको हम कहते हैं मेन वर्ब, इसमें जो दूसरा वर्ब है उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। दूसरे वर्ब को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ओके गाइज, तो वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया मीन्स मोशन, गति होना चाहिए, मोशन। और इसमें एक होता है मेन वर्ब, इट्स कॉल्ड मुख्य क्रिया, इट्स कॉल्ड मुख्य क्रिया। एंड सेकेंड वन इज अ सहायक क्रिया, इट्स कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, इट्स कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ओके गाइज, तो मेन वर्ब आपका जैसे होता है डांस, ईट, स्लीप, कुक, ईट, स्लीप, कुक, डांस ना, जिसमें मोशन हो, इट्स कॉल्ड मेन वर्ब, इट्स कॉल्ड मेन वर्ब। एंड सेकेंड वन इज अ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपका होता है 24, हेल्पिंग इट्स अ 24। ये 24 कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इटीसी ना। ऐसे करके जितने आपके ये हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, और ये आपके होते हैं 24। ये कितने होते हैं सर? ये होते हैं 24। ठीक है, तो वर्ब, वर्ब जो होता है आपका दो प्रकार का, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया में डांस, इट, स्लीप, एटीसी, और आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, कुड, शुड, वुड, मे, मस्ट,
इस प्रकार से आपके 24 होते हैं, इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट, जो तीसरा मैंने पॉइंट उसमें दिया था वो क्या था, ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट में आपका, ऑब्जेक्ट एक बड़ा चीज है, लेकिन मैं आपको आसान में बता दूं कि इसमें दो चीजें आती हैं, थिंग्स, थिंग्स या प्लेस, थिंग्स या प्लेस। मतलब से इसमें वस्तुएं आ सकती हैं, वस्तुएं या जगह इसमें आती है, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बस इतना ही आपको समझना है। आपको क्या समझना है, सर ने बताया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपको थिंग्स या प्लेस, दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो मैं आई होप कि यू हैव रिमेंबर ऑल थिंग्स, ऑल पॉइंट। अब मैं आपको समझाऊंगा टेंस, क्योंकि अब नाउ यू आर प्रिपेयर फॉर नोइंग व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टेंस। अब आप टेंस के परिभाषा समझने योग्य हो गए हैं, अब उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। टेंस में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीजें आपको बताया। ठीक है, सब्जेक्ट, इन तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आवश्यकता है, आइए इसको हम समझते हैं। ठीक है, अभी आप समझेंगे, कहेंगे सर आपने बहुत ही शानदार तरीके से बताया था कि कैसे ये हेल्पफुल फॉर यू है। देखिए, तो सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया था कि आई, वी, दे, यू एंड ब्ला 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 एज यू नो दैट। वर्ब, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब, मैन एंड हेल्पिंग वर्ब, मैन एंड हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट में आपको पता ही है कि प्लेस एंड थिंग्स, प्लेस एंड थिंग्स। ओके गाइज, ठीक है सर, इसकी आवश्यकता कैसे पड़ेगी, तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन अ टेंस। टेंस में इन सब का कैसे आवश्यकता है, कैसे इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ टेंस, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस का परिभाषा क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, वो देखेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगा रहे हैं कि नहीं, मुझे पता है कि ऑनलाइन पढ़ना बहुत ही मुश्किल का काम है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए समस्या होती होगी, बट डोंट वरी, आप लगे रहिए और हम लोग जो है नए नए तरीके से नए चीज़ों को आपको इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे, चीज़ों को बताते रहेंगे। आज पहली क्लास है, थोड़ा सा आपको जो है चीज़ों को समझने में वक्त लगेगा और चीज़ें आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए, टेंस, टेंस का परिभाषा क्या होता है गाइस, तो आप कहेंगे द चेंजिंग ऑफ वर्ब और टाइम, द चेंजिंग ऑफ वर्ब और टाइम इज कॉल्ड टेंस। द चेंजिंग ऑफ वर्ब, क्रिया का बदलता हुआ रूप, क्रिया बदल जाए और टाइम, समय बदल जाए, इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ, कुछ बच्चे हमारे घर हिंदी में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि क्रिया या समय, तो मैंने आपको क्रिया बताया ही था अभी पिछले ही कुछ समय पहले, मैंने आपको क्रिया बताया कि दे आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब इन अ इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस में कितने प्रकार के वर्ब होते हैं, दो प्रकार के, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो क्रिया या समय के बदलते हुए रूप को, क्रिया या समय के बदलते हुए रूप को, बदलते हुए रूप को टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। ओके गाइज, द चेंजिंग ऑफ वर्ब और टाइम इज कॉल्ड टेंस, द चेंजिंग ऑफ वर्ब और टाइम इज कॉल्ड टेंस। कैसे, आइए इसको देखते हैं। मैंने कहा आपसे कि परिभाषा क्या होता है टेंस का, मैंने आपसे शुरुआत ही क्लास में पूछा था, व्हेन वी स्टार्टेड आवर क्लास देन आई आस्क्ड यू व्हाट इज टेंस, यू से सर काल, टेंस क्या होता है, आपने कहा काल। लेकिन मैंने कहा नहीं, केवल काल कहने से काम नहीं चलेगा, काल तो केवल इसकी हिंदी है, काल तो इसकी हिंदी है, इसका परिभाषा तो कुछ और ही होता है।
तो मैंने आपको परिभाषा बताया, अब मैंने आपको डिफिनेशन बताया कि द चेंजिंग ऑफ वर्ब और टाइम इज कॉल्ड टेंस। तो अब चेंजिंग ऑफ वर्ब, वर्ब बदलता है तो उसको टेंस कैसे कहते हैं, देखिए जैसे ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड, इज क्या है, आप कहेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया अभी स्टार्टिंग क्लास में। मैं आपसे पूछूंगा ईट क्या है, आपने कहा सर ईट तो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब हम लोग उसको एम वी लिख लेते हैं, इट्स कॉल्ड एम वी मेन वर्ब। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ईटिंग क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा बट डोंट वरी, बी पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखिए आप। अब मैंने लिखा ही वाज ईटिंग फूड, देखिए ईटिंग भी आपका वही है सेम, फूड भी आपका सेम है, ही भी आपका सेम है, बदला क्या हुआ है इसमें, चेंज क्या है, तो आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब, क्या बदला हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमने बदला और इसका अर्थ बदल गया, इसका मीनिंग बदल गया। इस वाक्य में था कि ही इज ईटिंग फूड मतलब वह खाना खा रहा है, दूसरे वाक्य में हो गया कि ही वॉज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा था। पहले वाक्य की हिंदी क्या है कि वह खाना खा रहा है, दूसरे वाक्य की हिंदी क्या है, वह खाना खा रहा था। इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब को बदलने से, हेल्पिंग वर्ब बदलने से टेंस बदल जाता है, हेल्पिंग वर्ब बदलने से क्या हो जाता है, टेंस बदल जाता है। इसीलिए कहा गया कि द चेंजिंग ऑफ वर्ब, द चेंजिंग ऑफ वर्ब और टाइम इज कॉल्ड टेंस। आप वर्ब को चेंज करेंगे तो टाइम, वर्ब को आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, वर्ब बदलेगा, वर्ब बदलेगा तो उसी को टेंस कहते हैं, वर्ब के बदलने को ही तो टेंस कहते हैं। जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब बदला, ये टेंस हो गया, या प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। ऐसे यदि आप चाहें तो फ्यूचर भी कर सकते हैं कि ही विल बी ईटिंग फूड, ही विल बी ईटिंग फूड। आपने इसमें देखा यहाँ पे विल बी लग गया, यहाँ पे भी क्या चेंज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो गया फ्यूचर। सब कुछ सेम है लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, टेंस बदल जाएगा। और दूसरी बात कि हेल्पिंग वर्ब सेम सेम रखकर हम मेन वर्ब भी बदलते हैं तो टेंस क्या होता है, बदलता है। जैसे आइए एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे जैसे इधर देखिए, एक आपको मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं, देखिए जैसे आई आई एट फूड, आई एट फूड, दूसरा है आई एट फूड, तीसरा है आई सेल एट फूड। हेयर देयर आर थ्री सेंटेंस एंड थ्री सेंटेंसेज आर डिफरेंट डिफरेंट। आप देखेंगे यहाँ पे तीन वाक्य दिया हुआ है और तीनों वाक्य में आपका सब्जेक्ट मतलब आई सेम है, ऑब्जेक्ट आपका सेम है, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है ना, इतना आप मानते हो कि नहीं, तीनों वाक्यों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका सेम है। आई आपका क्या है, तो आई आपका सर सब्जेक्ट है, और फूड आपका क्या है, सर आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें डिफरेंट क्या है, आप कहोगे सर वर्ब, इसमें डिफरेंट क्या है, आप कहेंगे सर वर्ब डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, आप कहेंगे सर वर्ब जो है डिफरेंट है, अलग है। यहां पे इट दिया, इसका मतलब कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, आई एट फूड, मैं खाना खाता था, और मैं खाना खाऊंगा, या मैं खाता, मैं खाना खाऊंगा, या मैं खाना खाता हूंगा, ये गागी गए मतलब फ्यूचर हो गया। सब कुछ सेम है लेकिन यहाँ पे हमने मेन वर्ब को चेंज कर दिया तो टेंस भी आपका क्या हुआ, बदल गया। इसीलिए कहा गया कि द चेंजिंग ऑफ वर्ब और टाइम इज कॉल्ड टेंस, क्रिया के बदलते हुए रूप को ही टेंस कहते हैं, क्रिया के बदलते हुए रूप को ही क्या कहते हैं बच्चों, टेंस कहते हैं। इतना समझ में आ रहा आपको ना, क्रिया के बदलते हुए रूप को ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और एक वाक्य कैसे लिखा हुआ, जैसे राम इज ईटिंग फूड, अब इस वाक्य का आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता हो गया है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, और बहुत ही आप अच्छे तरीके से वेल मैनर में आप बता सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि सर जो राम आपने लिखा है ये सब्जेक्ट है सर,
जो आपने राम लिखा है वो क्या है सर, सब्जेक्ट है, और इधर की चीज़ों को प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में आपका जो इज है आप बता सकते हैं कि सर जो आपने इज लिखा है वह हेल्पिंग वर्ब है। अब आप इतने योग्य हो गए हैं कि आप बता सकते हैं कि सर आपने जो राम लिखा है राम सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है सर, ईटिंग आपका मेन वर्ब है, ईटिंग सर आपका मेन वर्ब है, और फूड मतलब भोजन होता है सर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं पहले से, यस या नो कमेंट करिए, आपको आया कि नहीं इतना समझ में। राम आपका सब्जेक्ट हुआ, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग आपका मेन वर्ब, फूड आपका ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया ना, तो आगे भी आप समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, और हम स्टार्ट किए थे टेंस, और टेंस में हमने क्या देखा, टेंस में हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीन चीजों को हमने जाना। फिर हमने जाना इसका परिभाषा कि द चेंजिंग ऑफ वर्ब, द चेंजिंग ऑफ वर्ब और टाइम इज कॉल्ड टेंस, इज कॉल्ड टेंस। जहां कहीं भी आपको डाउट हो आप तुरंत कमेंट करेंगे, डोंट डू लेट, आप कमेंट करने में लेट नहीं करेंगे, आप तुरंत क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, सर हमको ये समझ में नहीं आया, उसको अगले क्लास में अगले टाइम में आपको जो है क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो इंग्लिश है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, तो आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आएगा आप पूछ लेंगे, ठीक है। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करके बताइए थोड़ा सा, मैं आपसे हालचाल ले लूँ, मैं आपको जान लूँ। अपना नाम सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, जो जो हैं आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट अपना अपना नाम बता देंगे ताकि मैं आपको जान सकूं। और मुझे आप जानते हैं, मैं कार्तिकेय सर हूँ जो कि आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा, और आपको मैं इंग्लिश पढ़ा भी रहा हूँ ना। कैसा लग रहा है आपको क्लास, हम लोगों ने टेंस स्टार्ट किया है और इसको हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। आइए अब जो है अगली बात क्या है इसमें बच्चों, इसमें अगली बात क्या है कि सर आपने टेंस बताया, टेंस का आपने हिंदी बता दिया सर, ओके फाइन, टेंस हो गया, टेंस का डिफिनीशन हो गया। अब आपको पूछेंगे सर टेंस के कुछ प्रकार भी होते हैं क्या, मैंने कहा यस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, ओके गाइज। आइए तो आप नोट करिए कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के कितने प्रकार होते हैं सर, थ्री प्रकार होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। कौन कौन से, आप ये चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बट कभी आपसे क्लियर हुआ ही नहीं, बिकॉज कि आपको ऐसे टीचर भी नहीं मिले और आपने कोशिश भी नहीं किया, दोनों का एफर्ट क्या हुआ, कम हुआ ना। बट इस बार एफर्ट लगाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो टेंस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो पहला आपको पता है प्रेजेंट, दूसरा आपको पता है पास्ट, और तीसरा आपको पता है फ्यूचर। तीसरा आपको क्या पता है, फ्यूचर। जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इन तीनों को पहचानते कैसे हैं, कहीं भी अगर लिखा हुआ आपके सामने आ जाए इन तीनों को आप कैसे पहचानेंगे, कोई आपके पास क्लू है, कोई आपके पास तरीका है, डू यू नो, इफ यू नो देन यू कमेंट। यदि आपको कोई तरीका पता है प्रेजेंट को पहचानने का, यदि आपके पास तरीका है पास्ट को पहचानने का, और यदि आपको तरीका है फ्यूचर को पहचानने का, तो कमेंट कर दीजिए आप। लेट किस बात का भाई, कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। और यदि आप नहीं जानते, बेसिक से जानना चाहते, तो आपको बेसिक से बताऊंगा, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके पढ़ा रहा हूं, ओके। अगर अंग्रेजी का वाक्य दिया हुआ, इंग्लिश का वाक्य दिया हुआ है, तो प्रेजेंट पहचानने के दो तीन तरीके हैं, जिसमें वाक्य में आपको इज दिखाई देगा, एम दिखाई देगा, आर दिखाई देगा, आपको हैज और हैव भी दिखाई दे देगा, और आपको वर्ब में क्रिया जो होता है उसमें एस या ईएस भी दिखाई दे देगा। ये प्रेजेंट पहचानने का तरीका है अंग्रेजी के वाक्यों में। आपके सामने यदि इंग्लिश का वाक्य दिया हुआ है, उस इंग्लिश के वाक्य में यदि आपको इज, एम, आर या हैज, हैव, वर्ब में यस या ईएस दिखाई दे रहा है, देन यू कैन से सर इट इज अ प्रेजेंट, यह वाक्य क्या है, प्रेजेंट है।
हिंदी में कैसे पहचानोगे भाई, आपके सामने यदि हिंदी में वाक्य दिया हो तो कैसे पहचानोगे आप? तो उस हिंदी वाक्य में आपको कहीं ना कहीं है, हूं और हो दिखाई देगा। हिंदी में क्या दिखाई देगा? है, हूं, हो। अंग्रेजी में क्या दिखाई देगा? तो आपको अंग्रेजी में दिखाई देगा इज, एम, आर, हैज, हैव, वर्ब में यस या यस। एनी डाउट? से नो सर। यदि कोई आपके पास डाउट हो तो कमेंट करो, नहीं है तो से नो सर। पास्ट, पास्ट को पहचानने का तरीका है कि आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखाई देगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और आपको वाज वर्ड दिखाई देगा, वाज वर्ड दिखाई देगा, और आपको हैड दिखाई देगा, ठीक है। और हिंदी में यदि आप इसको देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? तो था, थी, थे, था, थी, थे, ठीक है। हिंदी में क्या है? हूँ, हो, इज, एम, आर, हैज, हैव, वर्ब में एस, आई, एस। पास्ट में था, थी, थे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वाज वर, हैड। फ्यूचर में, फ्यूचर में आपको क्या दिखाई देगा? शैल विल, शैल विल, और आपको शैल हैव, विल हैव। शैल हैव से तो काम चल ही जाएगा, आप जान ही जाएंगे। और आपको हिंदी में क्या दिखाई देगा? तो गागी गे, गागी गे, ठीक है। ये पहचानने का तरीका है कि यदि आपके पास जब कभी भी वाक्य आ जाए तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। प्रेजेंट होगा तो इज, एम, आर, हैज, हैव, वर्ब में एस, आई, एस, है, हूँ, हो दिखाई देगा। पास्ट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको दिखाई देगा, वाज वर्ब दिखाई देगा, हैड दिखाई देगा। और हिंदी का यदि वाक्य होता है तो उसमें था, थी, थे दिखाई देता है। फ्यूचर होगा तो शैल विल दिखाई देगा, शैल हैव दिखाई देगा, विल हैव दिखाई देगा, शैल बी, विल बी भी दिखाई देगा आपको, और हिंदी में गागी गे दिखाई देगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंग्रेजी में इन सभी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी चार चार पार्ट होते हैं। इन सब के भी कितने पार्ट होते हैं? चार चार पार्ट होते हैं। इस तरीके से फोर 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 मिला के 12 काइंड्स हो जाते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 12 काइंड्स हो जाते हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग अभी आगे करेंगे। तो आपको पता चला इतना कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सभी के कितने कितने काइंड हैं? चार चार। तो यहां पे आप हेडिंग एक देंगे कि देयर आर 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस के कितने काइंड्स होते हैं? 12। इस काइंड्स का हिंदी क्या होता है बच्चों? भेद, भेद। टेंस काइंड का मतलब क्या होता है? भेद होता है सर, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है, और ये देखकर दिल जो है गार्डन गार्डन हो गया। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार। आप लोगों को देख के लग रहा है कि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत ही होनहार बच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लगे रहेंगे, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी, माँ बाप का सपना बिल्कुल आप साकार करेंगे। और आपसे माँ बाप की उम्मीदें लगी हुई है ना, तो उस उम्मीदों को क्या करना है? पूरा भी करना है, ठीक है भैया। बहुत ही शानदार, आप लोगों का रिस्पांस देख के दिल बहुत ही गार्डन गार्डन हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा कर के, आपने इतना अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, और आपको क्लास अच्छी भी लग रही है, समझ में भी आ रहा है, यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहली क्लास आपको समझ में आ रही है, टेंस आपको क्लियर हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो देयर आर 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस के कितने काइंड होते हैं? 12 काइंड होते हैं। 12 काइंड को जानने से पहले हम उसको आसान तरीके से भी समझना चाहें तो उसके लिए हमने एक साइट तरीका बनाया है। पहला एक शब्द होता है इंडेफिनिट। पहला एक शब्द क्या होता है? इंडेफिनिट। दूसरा एक शब्द है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या है? परफेक्ट। और चौथा क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
इफ यू नो अबाउट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि आपको परफेक्ट के बारे में पता हो, इंडेफिनिट के बारे में पता हो और कंटिन्यूअस के बारे में पता हो, तो यू हैव नेवर फेस प्रॉब्लम इन अ टेंस, आपको टेंस में कभी दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। यदि आपको पता हो इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट के बारे में, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली व्हाट इज द हिंदी ऑफ इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का हिंदी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इंडेफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो। आई हैव सॉरी टू यूज हिंदी वर्ड्स बट आई एम हेल्पलेस, मुझे हिंदी प्रयोग करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि हिंदी के माध्यम से ही आप इंग्लिश को समझ सकते हैं। यदि मैं इंग्लिश का ही प्रयोग कर दूँ तो आपको समझने में बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है, इसलिए मुझे हिंदी का प्रयोग करना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दैट। बट इसको कहते हैं अनिश्चित, क्या कहते हैं अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, जो फिक्स ना हो। और इसका पहचान क्या होता है हिंदी में, यदि आप इसको पहचानना चाहेंगे कि इंडेफिनिट किसको कहते हैं हिंदी में, इंडेफिनिट अनिश्चित अनिश्चित किसको कहते हैं, तो आप देखेंगे कि वर्ब के लास्ट में वर्ब होता है ना, वर्ब मतलब क्या क्रिया, मैंने आपको बता दिया क्रिया दो प्रकार का होता है, मेन और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के लास्ट में हिंदी में तातीते आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा आपको हिंदी में, ता ती और ते दिखाई देगा। तो जहां कहीं भी आपको हिंदी के वर्ब में तातीते दिखाई दे, यू कैन से सर इट इज अ इंडेफिनिट, सर इट इज इंडेफिनिट। जहां कहीं भी आपको कॉन्टिन्यूअस दिखाई देगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस, यू से सर कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी, जारी मीन्स सर लगातार, और इसका सर पहचान होता है रहा रही रहे। तो जहां कहीं भी आपको रहा रही हिंदी में दिखे, यू कैन से सर इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, सर इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, सर ये कॉन्टिन्यूअस है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि जहां कहीं आपको तातीते दिखाई देगा, यू से सर इट इज अ इंडेफिनिट, जहां कहीं भी आपको रहा रही दिखाई दे, यू से सर इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, और जहां आपको पूर्ण मतलब कंप्लीट, कंप्लीट मतलब चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके, ये आपको दिखाई दे, यू से सर यह परफेक्ट है, यह काम पूरा हो गया है। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, बट आपको पहचानने के लिए भी मैं बता देता हूं, जिससे आपको अच्छा फील होगा और बहुत ही कंफर्ट रहेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पूर्ण आधा काम पूरा होता है, आधा काम जारी चल रहा होता है। और इसका पहचान क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं, तो यू से सर इसको पहचानने का तरीका तो कुछ यू ये है कि इसमें जो है आपका रहा रही रहे दिया होता है, रहा रही रहे विथ बाउंडेशन ऑफ टाइम, विथ बाउंडेशन ऑफ टाइम हिंदी में कहते हैं समय का बाध्यता, समय का बाध्यता। बट यदि आप इसको नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको इसमें दिखाई देगा आफ्टर टाइम, समय के बाद से, समय के बाद से दिया होगा, इसमें समय के बाद क्या दिया होगा से। ये इतना आसान तरीका, इतना कारीगर तरीका, मैं 7-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने जिन बच्चों को ऐसे पढ़ाया है उनको 100% समझ में आया है, यदि वो समझना चाहें तो। यदि आपको डाउट होता है, फिर समझ में नहीं आता, एक बार क्लास को दोबारा आप रिवाइज कर लीजिएगा, मैं 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएगी ही आएगी, आप यदि समझना ना चाहें तभी भी आएगी। क्लास आप जहां कहीं से भी देख रहे हो, बीच से देख रहे हो, शुरू से देख रहे हो, सब जगह से आपको समझ में आएगी, बस आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इंडेफिनिट में मैंने क्या बताया, तातीते, कंटिन्यूअस में क्या बताया, रहा रही रहे, और परफेक्ट में क्या बताया, चुका चुकी चुके, और ये सब चीजें ना इसको नोट कर लीजिए आप। उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जैसे मैं यहां पर एक वाक्य लिखता हूं हिंदी में कि गोपाल बाजार जा चुका था। अब ये कौन सा टेंस है हिंदी में, आपको पता था क्या पहले, यदि आपको पता था से यस सर, यदि आपको नहीं पता था से नो सर, यह कौन सा टेंस है, यदि आपको पता है तो यस सर कहिए, नहीं पता है तो नो सर कहिए। डू फास्ट जल्दी कमेंट करिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हिंदी वाले वाक्यों को पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस है, उसके बाद तो इसकी आप ट्रांसलेशन करोगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए ना ये टेंस कौन सा है। देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में क्या बताया था कि था थी थे किसका पहचान है, था थी थे किसका पहचान है,
तो आप कहेंगे सर था थी थे आपने बताया था पास्ट का पहचान है, था थी थे किसका पहचान है सर, आपने था थी थे तो पास्ट के लिए बताया था, और सर चुका चुकी, ये चुका चुकी है ना, मैंने बताया कि जहां कहीं भी चुका चुकी आपको दिखे आपको परफेक्ट बोल देना है, केवल क्या बोलना है परफेक्ट, और लास्ट में लगा देना है टेंस, लास्ट में क्या लगा देना है टेंस। तो ये कौन से टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है सर, ये कौन से टेंस है सर पास्ट परफेक्ट टेंस। वैसे ही मैं एक और वाक्य आपको बोलूं, गीता किताब पढ़ती होगी, तो ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस बताइए आप कमेंट करिए, डू फास्ट, ये कौन सा टेंस है। चलिए आपको मैंने बताया था कि गा गी गे किस में आता है, आपने कहा सर फ्यूचर में ही आता है, गा गी गे किस में आता है फ्यूचर में आता है, ओके ता ती ते किस में आता है सर, तो आपने कहा सर इंडिफिनिट में आता है, ता ती ते किस में आता है इंडिफिनिट में आता है सर, ओके ये कौन सा टेंस हुआ। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, ये तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो वैसे ही आप अपने घर पे इसको प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को लिखेंगे, एक बार नोट डाउन करेंगे, जो आपको डाउट होगा आप कमेंट कर देंगे, मैं उस डाउट को अगले सेशन में ले लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गूगल केमिस्ट्री।